फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे करंट चॉपिंग। करंट चॉपिंग का मतलब ये होता है, करंट जो नेचुरल जीरो होता है, मतलब साइनोसॉइडल वेव होती है, साइनोसॉइडल वेव में नेचुरल जीरो होता है, नेचुरल जीरो होने से पहले ही करंट को चॉप कर दिया जाए, मतलब काट दिया जाए, तो मतलब करंट जो है वो उसका वेव फॉर्म जो है वो कट जाएगा, तो मतलब नेचुरल जीरो होने से पहले ही उसको जीरो कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट चॉपिंग। तो करंट चॉपिंग क्या होता है सर्किट ब्रेकर में, जनरली ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में इसलिए होता है क्योंकि एयर की जो ब्लास्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें होता है, उससे कारण करंट जो है वो नेचुरल जीरो कराने में बहुत प्रेशराइज करता है उसको, करंट को, तो वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेव फॉर्म देख रहे हैं, वेव फॉर्म जो बना हुआ है इसमें जो आर्क करंट है ए पॉइंट इंडिकेट करती है, तो जब करंट जो है फ्लो होता है तो आर्क करंट जब फ्लो होता है तो धीरे धीरे जब एयर ब्लास्ट होती है, मतलब एयर ब्लास्ट का मतलब एयर जाती है, तो ये करंट जो है वो जीरो होता है, ये जीरो हो गया करंट, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है करंट, फिर उसके बाद फिर से ये फाइनली जो है नेचुरल करंट यहाँ पे जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे इसको फर्स्ट चॉप करा देते हैं, फिर सेकंड चॉप फिर से कराते हैं, मतलब प्रेशराइज करवा के। कैसे प्रेशराइज करवा के, देखिए जैसे फर्स्ट चॉप जब होता है तो करंट जो आई जो है यहाँ फ्लो होते रहता है, तो इंडक्टर का जो नेचुरल एनर्जी है वो एल आई स्क्वायर होती है, एल आई स्क्वायर बाय टू, तो एल आई स्क्वायर बाय टू जो है किस में ट्रांसफर हो जाती है, कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाती है। तो कैपेसिटर में ट्रांसफर होने के बाद, कैपेसिटर में जब ट्रांसफर होती है तो इसमें एक हाइयर वोल्टेज डेवलप होता है, हाइयर वोल्टेज डेवलप होने के कारण इसमें जो एयर ब्लास्टिंग होती है, एयर ब्लास्टिंग पहले से हुई रहती है, तो एयर ब्लास्टिंग पहले से जब हुई रहती है तो ये वोल्टेज को कम करने की कोशिश करता है, तो वोल्टेज को जब कम करने की कोशिश करता है तो वोल्टेज तभी कम होगा जब एयर का जो प्रेशर होगा वोल्टेज के प्रेशर से ज़्यादा होगा। जब एयर का प्रेशर वोल्टेज के प्रेशर से ज़्यादा होता है तब क्या होता है, करंट जो है वो जीरो पे जाता है, तो करंट जो है वो चॉप होता है। ऐसी सेकंड चॉपिंग भी होती है और इसके बाद धीरे धीरे मिनिमाइज करते करते नेचुरल करंट जो है वो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे करंट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे मिनिमाइज करते करते यहाँ पे करंट जो है कम है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज यहाँ पे आया है, तो फर्स्ट चॉप यहाँ पे आया है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग मतलब फिर से स्ट्राइक कर रहा है वोल्टेज। कैसे स्ट्राइक कर रहा है वोल्टेज, यहाँ पे एल आई स्क्वायर बाय टू जो है वो ट्रांसफर हो रहा है सी में, तो वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रीस्ट्राइक वोल्टेज आ रहा है, उसको कम करने के लिए एयर ब्लास्टिंग होती है, एयर ब्लास्टिंग से वो क्या हो जाता है, चॉप करंट जो है चॉप होता है, करंट जो है वो जीरो होता है, ठीक है। प्रेशराइज जीरो भी बोल सकते हैं इसको, करंट चॉपिंग को। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।